हमारी मेहनत को सफल कीजिए, मार्केट गुरु को सब्सक्राइब कीजिए, हमारी मोटिवेशन के लिए हमें लाइक दीजिए, और आपको आने वाले समय में ऐसे ही वीडियो मिलते रहे इसलिए नोटिफिकेशन बेल को दबा दें, जिससे आपका पैसा बढ़ता रहे, और इसे अलग अलग प्लेटफॉर्म पे शेयर करना ना भूलें, जिससे औरों का भी फायदा हो सके। थैंक्स। नमस्कार, मेरा नाम है राकेश सिंह और आप देख रहे हैं मार्केट गुरु। मार्केट गुरु के इस वीडियो में मैं जिस शेयर के बारे में जानकारी लेकर आ रहा हूँ, वो एक NBFC कंपनी है जो अभी तक नहीं चली है, जिसका नाम है L&T फाइनेंस। ये शेयर जो है वो मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। ये शेयर के जो रिजल्ट आते हैं वो काफ़ी अच्छे आते हैं, और मैं आपको कहना चाहूँगा कि ये वीडियो में मैं इसके सिर्फ टेक्निकल जानकारियाँ दूंगा, फंडामेंटल्स की पढ़त मैं कभी और किसी और वीडियो में करूँगा। क्यों? क्योंकि ये शेयर आगे आने वाले दिनों में बुलिश हो सकता है, इसके लिए मैं इस पर एक वीडियो बना रहा हूँ, जिसमें आपको अगर ट्रेड करना है और अगर आपको इसके लॉन्ग टर्म के बारे में सोचना है तो आप कौन से लेवल पर एंट्री कर सकते हैं और कौन से लेवल पर आप एग्जिट कर सकते हैं, इस वीडियो में मैं सब कुछ बताऊँगा। तो L&T, अगर आप इस कंपनी को जानते हैं L&T फाइनेंस को, तो मैं आपको कहना चाहूँगा कि आप इस शेयर में स्टॉप लॉस लगाइए 60 रुपीज़ का। आप अगर इसमें ट्रेड करना चाहते हैं तो आप इसमें 60 रुपीज़ का स्टॉप लॉस लगाइए। इस शेयर का जो करंट मार्केट प्राइस है वो 62.70 है, ऊपर में ये शेयर जो है आपको 65, 68 और 74 तक के टारगेट जो है आने वाले एक महीने के अंदर ये शेयर आपको दिखा सकता है। तो मैं आपको कहना चाहूँगा कि आप इसमें अपनी पोजीशन ज़रूर बनाएं, और ये शेयर जो है आपको बहुत अच्छा मुनाफा आने वाले समय में दे सकता है। पर अगर आप इस शेयर में निवेश करना चाहते हैं, तो मैं आपको कहूँगा कि आप इस शेयर में स्टॉप लॉस लगाएं 56.70 का। अगर ये वो तोड़ता है तो नीचे में ये शेयर जो है 51, 49 और फिर 44 तक नीचे में आ सकता है। तो मैं आपको कहूँगा कि आप जब ये शेयर नीचे जाए, तो अगर आपको इसी शेयर को खरीदना है तो नीचे में आप इस शेयर को ज़रूर एक्यूमुलेट करें और इस शेयर में अपनी जो वैल्यू है उसे बढ़ा दें। जैसे कि मैं आपको बता दूँ, अगर आप अभी कोई शेयर 62 पे खरीद रहे हैं तो वो 44 पर आप उस शेयर को कम से कम 1.5 गुना ज़्यादा खरीद सकते हैं। तो मैं आपको कहूँगा आप निराश ना हों। अगर आपने ऊपर में शेयर को खरीदा, स्टॉप लॉस ट्रिगर हुआ, तो आप उसे बेच दें, नीचे में आपके उसकी क्वांटिटी को बढ़ा दें। जैसे ही आप क्वांटिटी को बढ़ाएंगे, याद रखिएगा मार्केट ज़्यादा दिन तक नीचे नहीं रहेगा, उसे ऊपर आना ही है। अब अगर मैं आपको बोलूँ तो अगर ये शेयर 62.70 पे चल रहा है, ऊपर में आपका पहला टारगेट जो होगा वो 75 होगा, उसके बाद ये शेयर जो है वो 96 के टारगेट्स, उसके बाद ये शेयर 102, 107, 111 और 127 तक के टारगेट जो है इस शेयर में दिखाई दे सकते हैं आने वाले 15 से 18 महीने में। ये शेयर जो है आपको 127 यानी कि यहाँ से दुगने के जो टारगेट्स हैं ये शेयर आपको दिखा सकता है। तो मैं आपको कहना चाहूँगा कि आप इस शेयर में स्टॉप लॉस जो है वो 56 की मेंटेन करें, और अगले 15 से 18 महीने में ये शेयर जो है वो आपको 127 तक के टारगेट्स आते हुए इस शेयर में दिखाई देंगे। मैं आपको ये भी कहना चाहूँगा कि NBFC का समय जो है वो थोड़ा खराब चल रहा है, और यही समय होता है कि आप ऐसे अच्छी कंपनी के शेयर्स को नीचे में एक्यूमुलेट करने का। अगर आप इस शेयर में ज़्यादा नहीं खरीद सकते हैं तो मैं आपको कहूँगा कि आप थोड़ा थोड़ा कर हर महीने महीने SIP के फॉर्म में इस शेयर को ज़रूर खरीदें। अगर आपको L&T से फाइनेंस से जुड़ी जानकारी अच्छी लगी तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, नोटिफिकेशन के बटन को दबा दीजिएगा, क्योंकि समय समय पर मैं ऐसी ही टेक्निकल जानकारियाँ जो आने वाले समय में आपको मुनाफा दे सकें वो लाता रहता हूँ। तो आज के लिए बस इतना ही। बाय।